बीजेपी त्रिपुरा चुनाव अभियान को पीएम मोदी ने की शुरुआत। सोनामुरा में पीएम मोदी ने रैली कर कांग्रेस पर साधा निशाना। माणिक की जगह हिराव। मोदी के बयान पर किरण रिजिजू ने शेयर किया शुभ्रंखा का वीडियो। कांग्रेस आग बबूला, एक्शन लेंगी रेणुका। शोपिया फायरिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंचे मेजर आदित्य के पिता। एफआईआर रद्द करने की मांग। 27 जनवरी को दाखिल की गई थी एफआईआर। मोदी सरकार में मंत्री गिरिराज सिंह की बड़ी मुश्किल। पटना कोर्ट के आदेश पर दानापुर में जमीन कब्जाने का केस दर्ज। तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर तंज कसते हुए पूछा अब क्यों चुप हैं। सस्ता मकान खरीदने वालों से नहीं वसूलें जीएसटी। सरकार ने बिल्डरों को दिया निर्देश, इसका मकसद सस्ते मकान को बढ़ावा देना। ड्राइविंग लाइसेंस को आधार से लिंक करवाना होगा जरूरी। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट को बताई योजना, इससे फर्जी लाइसेंस की समस्या होगी खत्म। सचिन तेंदुलकर की बेटी का फेक ट्विटर हैंडल करने वाला इंजीनियर नितिन शिबोबे गिरफ्तार। ट्विटर हैंडल से एनसीपी चीफ शरद पवार के खिलाफ किया था आपत्तिजनक ट्वीट। डोकलाम में चीन की साजिश का फिर हुआ खुलासा। छोटे साइज के फिर 25 टेंट लगाए। पिछले साल सड़क बनाने को लेकर भारत डोकलाम के बीच हो चुकी है टकराव। मालदीव में गहराते राजनीतिक संकट के लिए पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद ने की चीन की आलोचना। भारत से की मदद की अपील। सैन्य तरीके से हस्तक्षेप का किया आग्रह। भ्रष्टाचार मामले में बांग्लादेश की एक्स पीएम खालिदा जिया को 5 साल की सजा। जिला अनाथालय न्यास में भ्रष्टाचार का मामला। खालिदा पर इस मामले में 2008 में केस दर्ज हुआ था। फैसले के बाद पूरे बांग्लादेश में सुरक्षा बढ़ा दी गई। पद्मावत पर बवाल जारी। भारत के बाद अब पाकिस्तान में खिलजी पर हुआ बवाल। फिर से रिव्यू होगी पद्मावत। दिल्ली के बदरपुर में 7वीं की छात्रा से उसके ही पड़ोसी ने किया रेप। रेप के बाद आरोपी ने धमकी दी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता की मां ने बच्ची को लेकर स्थानीय बदरपुर थाना पुलिस ने इस बाबत मुकदमा दर्ज करवाया था, जिसके बाद आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे उत्तर प्रदेश के हाथरस इलाके से गिरफ्तार कर लिया गया। दिल्ली फतेहपुर बेरी में बुजुर्ग महिला की पिटाई का मामला सामने आया है। महिला आयोग की टीम मामले की छानबीन में जुटी हुई है। पीड़ित महिला की शिकायत तो थाने में जरूर ले ली थी, लेकिन अभी तक दबंगों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की गई, जिसके चलते इस महिला को इस हालात के खाने के चक्कर काटने को मजबूर होना पड़ रहा है। पूर्वी दिल्ली के विवेक विहार इलाके में दो बहनों ने 3 चैन स्नैचर का पीछा कर उसे पकड़ लिया। फिलहाल पुलिस और इलाके के लोगों ने इन दोनों लड़की की बहादुरी की तारीफ की। बाइक सवार छपटमार। छोटी बहन का पर्स छीनकर भाग रहे थे, जिसका स्कूटी पर सवार इन लड़कियों ने पीछा किया और फिर इन्हें धर दबोचा। दिल्ली के रनौला में 12वीं में पढ़ने वाली नाबालिग से दुष्कर्म। मेडिकल जांच में पुष्टि के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। ट्यूशन पढ़ने जाते वक्त आरोपी नाबालिग को अपने साथ फ्लैट पर ले जाकर वारदात को अंजाम दिया। दिल्ली में अंधविश्वास के नाम पर शर्मसार कर देने वाली एक घटना सामने आई है। एक लड़की से उसके मां बाप ने शुद्धिकरण के नाम पर 11 साल तक तांत्रिक से रेप करवाया है। पीड़िता ने पुलिस पर समझौते के लिए दबाव डालने का भी आरोप लगाया है। कुपवाड़ा में शहीद हुए बसाना गांव के मोनू के परिजनों से मिलने पहुंचे सीएम मनोहर लाल खट्टर। खट्टर ने परिवार से हर संभव मदद करने की बात की। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने पर सवाल पर कहा कि हमारे सैनिक देश की रक्षा करने के लिए सक्षम। कांग्रेस लीगल सेल प्रमुख और सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट महिमा सिंह ने कहा है कि महिलाओं के प्रति बढ़ रहे अपराध की घटनाओं से निपटने के लिए कांग्रेस स्कूल कॉलेज की छात्राओं के साथ साथ महिलाओं को भी सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी। एडवोकेट महिमा सिंह ने ऐलान किया है कि पुरुषों की मानसिकता बदलने के लिए कांग्रेस महिलाओं को जागरूक करके महिला चौपाल कार्यक्रम के तहत प्रदेश में आंदोलन चलाएगी। पानीपत के गांव खंडरा में स्कूली बस से हुई दुर्घटनाग्रस्त। हादसे में स्कूली बच्चों को चोटें लगी। हादसे में बस के ड्राइवर समेत कंडक्टर घायल हो गया है। ड्राइवर और कंडक्टर को पीजीआई रेफर किया गया है।